हेलो फ्रेंड, आज मैं अपना गार्डन का ओवरव्यू आप लोग का साथ शेयर करूंगा। देखिए, बहुत सारा एडेनियम, पूरा एडेनियम भरा हुआ है मेरा गार्डन में। देखिए, काफ़ी सारा फ्लावर हुआ है मेरा एडेनियम से। कुछ न्यू वैरायटी है, कुछ पुराना वैरायटी है। ये ग्राफ्टेड टाइवन मिनी है, उसका पास है वेरीगेटेड क्रिस्पम। ये देखिए, ये फ्लावर थोड़ा पुराना हो चुका है। ये कलर चेंजिंग फ्लावर है, पहले येलो रहता है, फिर ये लाइट पिंक हो जाता है। ये देखिए, ये और एक क्रिस्पम है, प्योर पर ग्राफ्टेड है। ये बोधिधर्मा बिग लिप्स है, स्मॉल लिप्स भी है, मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगा। ट्रेन का उस साइड में है। ये क्रिस्पम हाइब्रिड रेड ड्रैगन है, अभी फ्लावर नहीं आया है, आया था बरसात के पहले, फिलहाल नहीं है। ये नीलाकांत है, नॉर्मल नीलाकांत। मेरा पास एक डायमंड नीलाकांत भी है, स्मॉल लीफ। ये देखिए, ये वेरीगेटेड एडेनियम है, स्टोन लिप्स। और एक देखिए, छोटा सा वेरीगेटेड है यहाँ पर। बहुत सारे इंसेक्ट्स भी आते रहता है मेरा गार्डन पे। देखिए, ये एक नॉर्मल ओवेसम है, कटिंग से बना हुआ है। देखिए, इसीलिए इसका कोडेक्स ज़्यादा मोटा नहीं हुआ है, पर बाद में जाके ये भी अच्छा शेप लेता है। ये मिस इंडिया है, एक वेरीगेटेड मिस इंडिया भी मेरा पास है, फिलहाल उसमें फ्लावर नहीं है। ये टाइवन मिनी लिप नीलाकांत है। बरसात के कारण इसका लीफ थोड़ा बड़ा बड़ा है, इससे भी छोटा होता है। ये देखिए, और एक वेरीगेटेड है, इसमें फ्लावर आया है, बहुत ही सुंदर। ये क्रिस्पम व्हाइट है, और एक पौधा यहाँ पर भी है। ये मेरा हैबिटेट नोवा तंजानिया है। और इसी के पास एक
सुअज ही कम है, ये भी हैबिटेट है। कुछ दिन पहले इसमें फ्लावर आया था, अभी भी काफ़ी सारा बर्ड्स है। ये देखिए इसका कोडेक्स बहुत ही सुंदर। ये देखिए ये और एक वेरीगेटेड स्पर्म है। ये व्हाइट हाइब्रिड स्वाजिकम है। देखिए ये बरसात का टाइम ये पत्तों में रोट आ जाता है, इसको आपको तोड़ देना चाहिए नहीं तो पूरा प्लांट सड़ जाता है। मैंने तोड़ के इसे फेंक दिया। इसमें से मैंने ग्राफ्टिंग किया हुआ है, ये व्हाइट क्रिस्पम है। देखिए फिर से बहुत सारा सूट निकला हुआ है। ये स्लीपिंग ब्यूटी है, न्यू वैरायटी। ये येमन वॉल है क्रिस्टेड। ये भी ग्राफ्टेड है। देखिए ये एक क्रिस्टेड एडिनियम है। और एक देखिए और एक ये सारा की स्टेट है। किसी में रेड फ्लावर होता है, किसी में डबल पेटल भी फ्लावर आता है। ये देखिए ये बर्ड्स आया था पर बरसात के कारण में इसमें भी रॉट आ चुका है, इसे हमें निकाल के इसमें फंगिसाइड ट्रीटमेंट करना चाहिए और कुछ दिन के लिए इसे शेड में रखना चाहिए। मैं भी इसे अभी शेड में रख दूंगा। और देखिए ये एक खूबसूरत ब्लड रेड कलर का डबल पेटल है। काफी सारा प्लांट मेरा पास है। मैं फिर से और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें और सारा प्लांट के बारे में मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन सा एडिनियम मेरे पास है। एक वीडियो करने से बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग बोर फील करेंगे, तो इसीलिए आप यदि इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। मेरा गार्डन पे और कौन कौन सा वैरायटी है और फ्यूचर में आप लोग भी जो जो मैं ग्राफ्टेड करता हूँ वो आप भी खरीद सकते हैं हमसे, या आपका कोई नज़दीकी सेलर्स का पास भी जाके आप ले सकते हैं। पर कौन कौन सा वैरायटी होता है, कैसे उसको देखने में होता है, फ्लावर कैसे आता है, उसका बारे में जानना हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा साथ रहिएगा। एडिनियम का शौकीन है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ये एडिनियम के बारे में नॉलेज देते रहेंगे। कुछ कैक्टस भी है, मैं बाद में वीडियो करूंगा एक सेपरेट कैक्टस के ऊपर। ये देखिए एक ग्राफ्टेड मिनी लिप्स एडिनियम। ओके फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।
मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, और बाकी सारा मेरा गार्डन का कलेक्शन आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ओके, जय हिंद, बाय फॉर नाउ।